हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है द्विध्रुवीय भाव दशा विकार को संक्षेप में समझाइए। तो इस प्रकार के भाव दशा विकार जिसमें उन्माद और अवसाद बारी बारी से उपस्थित होते हैं, कभी कभी सामान्य भाव दशा की अवधि भी आती है, इसे द्विध्रुवीय भाव दशा विकार में आत्महत्या के प्रयास का आजीवन खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा खतरे के अन्य कारण व्यक्ति के आत्महत्या करने की संभावना को बताते हैं। इनमें प्रमुख है उम्र, लिंग, निर्जातीयता तथा प्रजाति और हाल में घटित जीवन की गंभीर घटनाएं। ठीक है, इस तरह और भी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके लिख लो या फिर पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा समय चला जाएगा। इसके अलावा और भी है, मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ तक हो गया, तो फिर यहाँ से यहाँ तक। सो थैंक यू।